देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। मुंबई में उठाया गया कश्मीर की आजादी का पोस्टर तो देखा ही होगा आपने। महक मिर्जा ने इस पर अपनी सफाई भी दे दी थी, लेकिन इसके बाद ऐसे ही पोस्टर दिल्ली में नजर आए और इसके बाद मैसूर में हंगामा मच गया। जांच का ऐलान और सफाई की मांग। ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है, किसी भी भारतीय को ये कभी भी स्वीकार होगा नहीं। पायरेटेड प्रोपेगेंडे से प्रभावित प्रदर्शन, जो लोग लगाए थे पोस्टर या जहां पे है ये स्पष्टीकरण उनकी तरफ से आना चाहिए। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है, उससे हमें मुक्त करो, ये बोलना ये कोई गैर बात है क्या? माननीय उद्धव जी, आपके सत्ता में बैठे हुए कोई पक्ष इस आंदोलन को, आजाद कश्मीर के आंदोलन को समर्थन दे रहा है? यह आंदोलन वहां पर विदेश में इंडिया को बदनाम करने के लिए किया। कश्मीर की आजादी के पोस्टरों के बरक्स सन्नाटे में डूबे श्रीनगर हवाई अड्डे पर एक विशेष विमान से उतरे 15 देशों के राजनयिक फिजा में केसर की गंध को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। नीचे सरकार के प्रतिनिधि उनके स्वागत में मुस्तैद थे। कहां जाना है, किससे मिलना है, कितनी देर बात करनी है, कहां ठहरना है, एक एक मिनट का कार्यक्रम तय था। इस आमंत्रण और आगमन का मकसद है दुनिया को जम्मू कश्मीर की असली स्थिति से संसार को वाकिफ कराना। आज सवेरे वो यहां से रवाना हुए और वहां पहुंचने के बाद सबसे पहली जो उनकी मीटिंग हुई वहां के सुरक्षा कर्मियों से हुई, और उसमें ये हम बताने की हमने कोशिश की कि वहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और जो आतंकवाद का जो थ्रेट है उस यूनियन टेरिटरी में वो कितना सजीव है। कश्मीर को समझने आए इन मेहमानों में अफ्रीका और लातिन अमेरिकी देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये मेहमान दो दिन में समझने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर में शांति बहाली की भारत सरकार की कोशिशों और मानवाधिकार हनन के आरोपों का सच क्या है। पहले दिन इन राजनयिकों ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों, स्थानीय मीडिया और नेताओं से मुलाकात की। अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद किसी प्रतिनिधिमंडल का यह पहला आधिकारिक दौरा है जो आम नागरिकों से भी मुलाकात कर रहा है। कुछ लोग, भारत के ही लोग विदेश में जाकर गलत प्रचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर यह है, जम्मू कश्मीर के अंदर कर्फ्यू है, जम्मू कश्मीर इमरजेंसी है। दुनिया के टूरिस्ट वालों को, जो भी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को, भारत के लोगों को, जो वातावरण खराब नहीं कर सकते हैं, वैसे लोग जो भी आ सके आइए, देखिए, वास्तविकता सुनिए। सरकार को उम्मीद है कि इस प्रतिनिधिमंडल के जरिए कश्मीर में लोगों के अधिकारों के दमन के पाकिस्तानी प्रचार को आधारहीन साबित करने में मदद मिलेगी, और इसमें वो कामयाब होती भी नजर आ रही है।